साइंस ने एक तवील सफर तय किया है, लेकिन जो चीज एक मुअम्मा बनी हुई है वो ये है कि इंसानी उम्र असलाफ की लंबी उम्र के मुकाबले में घटती जा रही है। हमारे कदीम सहीफों में हमें ऐसे लोगों का तस्करा मिलता है जो 1000 साल से ज्यादा जिंदा रहे और ऐसी ऐसी बीमारियों से शिफायाब हुए जो कि नस्ल नौ के लिए बायस हैरत है। तो आखिर हम गलत क्या कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में वो सही क्या कर रहे थे जिसे हम अपनी जिंदगी में अपनाने पर गौर करें। तिब्ब यूनानी को मिस्र और बैनुन नहरैन यानी मेसोपोटामिया की तहजीबों से यूनानियों ने अपनाया और एक तिब्बी निजाम के तौर पर तरक्की दी। ये एक ऐसा इल्म है जिसने सेहत की देखभाल को एक नई तारीफ अता कर दी। यूनानी तिब की इब्तिदा कदीम यूनानी तबीब बुकरात और जालीनूस के उसूलों में पाई जाती है। इस फन को हिकमत भी कहा जाता है। अरब अतिब्बा जैसे रबन तबरी, राजी, मजूसी, मसीही, इब्ने सिना, जहरावी, इब्ने बैतार, इब्ने नफीस और कुरून वुस्ता के दीगर तबीबों ने तिब के इस फन को जामय शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। 8वीं सदी ईस्वी में तिब यूनानी को हिंदुस्तान में बाजाबता तौर पर मुतारफ कराया गया, जहां उसकी जड़ें मजबूत हुईं और उसे वसी पैमाने पर रवाज मिला। हकीम अकबर अरजानी, हकीम आजम खान, हकीम शरीफ खान और बाज दीगर माहिरीन और मुआलिजीन ने हिंदुस्तानी मिजाज के मुताबिक दवाओं और मुरक्कबात को फरोग देकर तिब्ब यूनानी को हिंदुस्तानी रंग दे दिया कि बुनियादी तौर पर ये सिर्फ एक उज्व या चंद आजा के मजमुए पर ही तवज्जो मरकूज नहीं रखता, बल्कि इंसान के जहन, जिस्म और रूह तीनों को निगाह में रखकर पूरी शख्सियत का इलाज करता है। बाबा तिब बुकरात के मुताबिक बेशतर बीमारियां आंत से शुरू होती हैं। बुकरात के नजरिए चार अरकान और चार अखलात यानी दम, बलगम, सफरा और सौदा पर मबनी है। इंसानी जिस्म चार अरकान यानी हवा और मिट्टी से, आग और पानी से बना है। ये सब अरकान अपने मखसूस मिजाज रखते हैं, चुनाचे हवा गर्म और नम, मिट्टी सर्द और खुश्क, आग खुश्क और गर्म, पानी सर्द और नम होती है। इन्हीं कैफियत पर जिस्म में चार किस्म के अखलात भी पाए जाते हैं। तिब्बे यूनानी का मकसद इन चारों अखलात या रुतुबाते बदन में तवाजुन को बहाल रखना है। यूनानी तिब की तासीरात और अजीम विरासत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हिंद ने बैंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के नाम से एक खुद मुख्तार और आलीशान इदारा कायम किया। हुकूमत हिंद की वजारत आयुष के मुसलसल तावुन से यूनानी तिब और कौमी इदारा बराए यूनानी तिब को नई जिंदगी मिली। ये इदारा पोस्ट ग्रेजुएट सतह तक यूनानी तिब के मुतादद शोबों में तखस्सुस फराहम करने के साथ साथ इस फन में मुनज्जम तरबियत और तहकीकी सरगर्मियों के एक अहम मरकज के तौर पर काम करता है। इसका कैंपस बैंगलोर के कल्ब में वाकई एक सरसब्ज़ शादाब माहौल में फैला हुआ है और तमाम तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इसका खूबसूरत महल्ले वकू और सेहत अफजा माहौल जायरीन और मरीजों के लिए यकसा कशिश रखता है। इसमें एकेडमिक ब्लॉक, अस्पताल की इमारत, उम्दा लाइब्रेरी, जदीद मशीनरी से मुजयन दवाखाना, इंतजामी ब्लॉक, हर्बल गार्डन, एनिमल हाउस, मेहमान खाना, इंडोर गेम्स, आरामदेह हॉस्टल, रिहायशी ब्लॉक और दूसरी कई तामीरात फैली हुई हैं। द मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन, टू कैरी आउट रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एंड टू प्रोवाइड सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सॉल्यूशन थ्रू क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी तिब का एक और कौमी इदारा
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुकूमत हिंद की वजारत आयुष के जरिए कायम किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन NIUM 10 शोबों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फराहम करता है और वो हैं मुआलजात, इल्मुल अदविया, तहफ्फुज़ी व समाजी तिब, इल्मुल कबालत व अमराज़े निस्वा, इल्मुस सैदला, कुल्लियाते तिब, इलाज बित तदबीर, इल्मुल जराहात, अमराज जिल्द व तज़ीनियात और माहियतुल अमराज। मोटिवेशन रिगार्डिंग दिस कोर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी वाज दैट वी कैन फोकस ऑन क्रॉनिक एलिमेंट्स एंड ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक सोरेसिस, विटिलिगो, वेयर द पेशेंट हैव बर्डन, ही आर शी कैनॉट एफोर्ड द मेडिसन्स बिकॉज दे cost a lot, and that is the primary concern, primary objective of our pathy. In Sri Lanka, Unani medicine is established and developed by the Unani scholars of India. Since 30 years, all the Unani scholars from Sri Lanka, they are performing their MD in India. I got to know about Ayush courses in India through the websites of Ministry of Ayush and NIUM. I am proud to say I am performing my master's in National Institute of Unani Medicine, India. I am feeling so comfortable doing my master's here because all the instrumentation and procedures are available under the one roof. National Institute of Unani Medicine के लिए ये बात बाय से इफ्तिखार है कि इसे साल 2014-15 से तिब्बे यूनानी में PhD कोर्सेज की इब्तदा करने का एजाज हासिल है। इस तरह ये उन अजीम इदारों में शामिल हो गया है जो PhD का तखस्सुस फराहम करते हैं। एडमिशन इन PhD कंप्राइजेस ऑफ एडमिशन टेस्ट व्हिच इज कंडक्टेड बाय द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। दिस इज ए 3-year कोर्स। आफ्टर 1 year द स्टूडेंट हैज टू पास pre-PhD एग्जामिनेशन एंड रिसर्च वर्क इज कैरीड आउट एंड थीसिस इज सबमिटेड। तिब्बे यूनानी में जैसा कि पहले कहा गया है, किसी मखसूस उज्व या निजाम के बजाय मुकम्मल फर्द की सेहत पर गौर किया जाता है। ये कुदरती अदविया शवाहिद पर मबनी मुआलजाना तरीकों से अफराद की अंदरूनी सेहत की कामिल शिफायाबी पर जोर देता है। इस तिब के खास तौर पर के 5 बुनियादी उसूल हैं जिनसे उमूमी तौर पर इसके तिब्बे निजाम को समझा जा सकता है। वो 5 बुनियादी उसूल हैं: उमूर तबीईया, मवालीद सलासा, असबाब सित्ता जरूरिया, उसूल तशखीस, उसूल इलाज। माहिरीन तिब्बे यूनानी के मुताबिक इंसानी जिस्म उस वक्त तक सेहतमंद रहता है जब तक जिस्म के 7 बुनियादी अज्जा में तवाजुन और हम आहंगी बरकरार रहती है। तिब्बे यूनानी में शरीरियाती तशखीस के 3 तरीके होते हैं: इम्तिहान बिन नज़र या नजरी मुआयना, जहां मरीजों का सर से पांव तक तफसीली मुआयना किया जाता है; इम्तिहान बिल लमस या हिस्सी मुआयना, ये तरीका हाथ से टटोलकर उज्व की मिजाजी या मादी खराबी महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी अतिब्बा बीमारी की नौयत का तयन करने के लिए किसी उज्व के गर्म या सर्द, खुश्क या नम होने का जायजा लेते हैं। इम्तिहान बिल करा या ठोक कर मुआयना करना, इस तरीके का इस्तेमाल अंदरूनी आज़ा की सख्ती या नरमी और खला या इम्तिला मालूम करने के लिए किया जाता है। मरीजों का इलाज तरजीही तौर पर सिर्फ खुराक और तदबीरी तरीक़ेकार में तरमीम के जरिए किया जाता है। इस इदारे में तलबा की सलाहियतों की नशोनुमा के लिए उन्हें तहकीक करने और आला तरीन मजल्लात में मकाला शाया करने के मौके फराहम किए जाते हैं। इदारा तकरीबन 700 से जायद तहकीकी मकाले शाया कर चुका है जो ज्यादातर मारूफ तरीन मजल्लात और जर्नल्स में शाया हुए हैं। भारत में यूनानी तिब पर तहकीकी इशातों में एक बड़ा हिस्सा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का है। यहाँ के असातिज़ा और तलबा ने बहुत सी मुफीद किताबें भी तसनीफ की हैं। इदारे में
तिब्बी किताबों और साइंसी मजल्लात की इशाअत के लिए शोबाए नशरो इशाअत भी मौजूद है, जिसके तहत उर्दू और इंग्लिश जुबान में शाया होने वाले तहकीकी जर्नल्स को तिब्बी हलकों में काफी मकबूलियत हासिल है। द फैक्टर्स रिलेटेड टू R&D फॉर यूनानी मेडिसिन, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर यूनानी मेडिसिन, वी नीड द डेटा, एंड फॉर दिस डेटा जनरेशन वी नीड रिसर्च। Not only this part of economy, we need some internal evidences for Unani medicine to have it on evidence base. Say, for example, if a drug is not trialed, it is not tested, we cannot go let it into the market. For that testing of drugs, for getting an clinical evidence, we need research for it. And our hospital, our academia, they are very much involved in research to get these evidence. शोबाजात की लाइब्रेरियों के अलावा इंस्टीट्यूट में एक मरकजी लाइब्रेरी भी है। इन लाइब्रेरियों में 15,000 से जायद किताबें मौजूद हैं। मरकजी लाइब्रेरी में मुतादद क्लासिकी यूनानी तिब्बी मखतूतात की कॉपियों का जखीरा है। मरकजी कुतुबखाना रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मबनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से भी लैस है और इसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर के फराहम करदा हेलीनेट कंसोर्टियम तक रसाई भी हासिल है। ये एक ऐसा जामे ऑनलाइन मरकज है जिसके तवस्सुत से हजारों साइंटिफिक मजल्लात व जराइद से बसहूलत इस्तेफादा किया जा सकता है। द लाइब्रेरी इज आल्सो इक्विप्ड विद रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विच सेव्स द यूजर्स टाइम by making the circulation process easy and faster. The faculties, research scholars and students also enjoying the online opaque through which they can search in the titles and books of the library with the single click. इदारे में मुख्तलिफ किस्म की लेबोरेटरीज और म्यूजियम्स हैं जो तहकीकाती सरगर्मियों के लिए बुनियादी किरदार अदा करती हैं, जिनमें सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी लेबोरेटरी CIFL, फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी, फार्माकोग्नोसी लेबोरेटरी, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, यूनानी फार्मेसी लेबोरेटरी, ड्रग म्यूजियम में हर्बेरियम, तहफुजी व समाजी तिब म्यूजियम वगैरह शामिल हैं। I was always very intrigued and fascinated by the possibilities of herbal medicines, and that's because it's a pure blend of nature and science, resulting in drugs which enhance the human life expectancy. So given the opportunities of exploring and discovering new medicines in Unani is that which motivated me. इदारे में 50 से ज्यादा मुरक्कबात तैयार करने के लिए दवाखाना मौजूद है, जहां दवाओं को मुख्तलिफ शक्लों में तैयार किया जाता है, जैसे खुश्क दवाएं जैसे हब यानी गोलियां, कुर्स यानी टिकियां, सफूफ यानी पाउडर, कुहल यानी आंखों में इस्तेमाल होने वाला बारीक पाउडर, सनून यानी दांत का मंजन, जोशांदे व खिसांदे के नुस्खाएजात वगैरह, नीम जामे दवाएं जैसे माजून, खमीरा, इत्रिफल, मरहम वगैरह, माय या सयाल दवाएं जैसे शरबत, अर्क, रोगन वगैरह। खुशबुदार अदविया जैसे शमूम, लखलखा वगैरह। हमारी फार्मेसी जो है इसमें तकरीबन 40 मशीनें हैं और हर साल इसमें 60 से 65 दवाएं हर तरह की बनती हैं। सफाई सुथराई का भी पूरा ख्याल हम लोग रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि GMP स्टैंडर्ड के ऊपर हम अपनी दवाओं को तैयार करें और मरीजों को दें ताकि उनको पूरे तौर पर फ़ायदा और इफाकियत हासिल हो। इदारे के मरकज़ में 4 एकड़ में फैला हुआ एक खूबसूरत हर्बल गार्डन या गुलिस्तान-ए-अदविया है, जिसको 200 से जायद अक्साम के दवाई नबातात, जड़ी बूटियां, झड़ियां और बेले मुजयन किए हुए हैं। ये एक पहाड़ी और ढलान पे नशेबो फराज की सूरत में फैला हुआ है,
और इस तरह उसे जीनावार ज़राअत की शक्ल हासिल हो गई है। इसमें दवाई, पौधों और जड़ी बूटियों की बेहतर नशोनुमा और तहफ्फुज़ के लिए ग्रीन हाउस और पॉली हाउस की सहूलियत भी मौजूद है। हर्बल गार्डन इस इदारे की इल्मी और तहकीकी ज़रूरियात को बहुस्न व खूबी पूरा करता है। इसका बुनियादी मकसद दवाई नबातात की शिनाख्त और अमली मज़ाहरे के ज़रिए तालीम और तरबियत को आसान बनाना है। कौमी इदारा बराए यूनानी तिब का अस्पताल भारत में NABH से मंजूर शुदा पहला यूनानी अस्पताल है। इसमें OPD का एक बड़ा शोबा और 180 बिस्तरों पर मुश्तमिल वसी IPD है। अस्पताल की तिब्बी लेबोरेटरीज भी NABL से मंजूर शुदा हैं। HMIS stand for Ayush Hospital Management Information System. It is a comprehensive IT platform to effectively manage all functions of healthcare delivery system and patient care in Ayush facilities like queue management, registration, billing, consultation, drug dispensing, investigations like radiological, pathological. अस्पताल अपने मरीजों के लिए एक महफूज माहौल फराहम करता है जहां मर्द व ख्वातीन के लिए अलहदा वार्ड्स की सहूलत है। मुतमव्विल मरीजों के लिए हेल्थ हट्स, प्राइवेट और नीम प्राइवेट वार्ड्स की सूरत में महज वाजबी कीमत पर इजाफी खिदमात भी फराहम करता है। उमूमी अमराज की OPDs रोजाना और खुसूसी अमराज के लिए मखसूस दिनों में मुतादद OPDs चलती हैं, जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इदारे के हाजिक अतिब्बा अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। इनमें अजाम व मफासिल, जिल्द व तजीनियात, दिमाग व आसाब, मेदा व अमा, मरारा व जिगर, जराहात व कुरू, नफ्सियात व शेखुखत और तर्ज जिंदगी से मुतालिक अमराज की OPDs शामिल हैं, जहां मखसूस अमराज की गजाई तदबीर और उससे मुतालिका हिदायत भी मरीजों को फराहम की जाती है। एज ए यूनानी फिजिशियन वी ट्रीट द पेशेंट एज ए होल, मीन्स वी फॉलो द होलिस्टिक अप्रोच वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट, मीन्स वी टेक केयर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट। ईच इंडिविजुअल पेशेंट डिजर्व्स अ कस्टम केयर प्लान टू नर्चर हिज नीड्स, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। जनाना अमराज, खानदानी मंसूबा बंदी, हामिला की निगहदाश्त, विलादत और जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए अस्पताल में एक पूरा अलहदा शोबा कायम है। बाहर से इलाज करा रही थी आरटी नगर से, वहीं पे इलाज चल रहा था। वहाँ पे बोले कि आपको नॉर्मल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आप ब्लॉक हो चुका है आपका, वो मुचे गया है, वो नहीं हो सकता, इसीलिए यूनानी हॉस्पिटल में आई हूँ। अर्शिया मैडम से मिली, आपके यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, इलाज चल रहा है, यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह कराए, अभी नॉर्मल है, पीरियड्स वगैरह सभी अभी ठीक है। अस्पताल में जदीद तरीन आलात से आरास्ता ऑपरेशन थिएटर है, जो मरीजों की बड़ी तादाद को मामूली कीमत पर ऑपरेशन की खिदमात पेश करता है। वी हैव ए स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर हैविंग इन विच वी आर परफॉर्मिंग द मल्टीपल सर्जरीज लाइक GIT सर्जरीज, हेपेटोबिलरी सर्जरीज, प्रोक्टोलॉजी लाइक कोलिसिस्टेक्टमी, अपेंडिसेक्टमी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एब्सेसेस, ब्रेस्ट सर्जरीज एंड सो ऑन। There are many effective medicine in the literature of the Yunani system of medicine. We have a vast literature in which there are multiple effective medicine is there. The validation and the standardization of these drug and the evaluation of the efficacy of multiple regimen therapy, whether it is hijama, leech therapy, venesection, massage, are the need of the moment. इलाज बित तदबीर का शोबा इस अस्पताल में खास तवज्जो का मरकज है, जहां मरीजों का हुजूम रहता है। इसमें दल्क, हिजामा, इरसाले अलक, नुतूल, आबजन, हमाम, तकमीद
फ़ज़्द, क़य, पाशोया और गुस्ल जहरी जैसी मुफीद तदाबीर के जरिए सेहत की अफजाइश, अमराज से तहफ्फुज़ और बीमारियों का इलाज किया जाता है। So I advocate that diet and exercise are the two important factors which must be followed for the prevention of the disease. I do myself exercise and I suggest and propose that everybody should do enough exercise so that these waste materials are not accumulated in the body and no disease happens, and that will be the prevention from all of the diseases. आसाबी अमराज के लिए न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर तो इस अस्पताल की पहचान बन चुका है, जो मुख्तलिफ आसाबी आवारिज जैसे कि फालिज, लकवा, न्यूरोपैथी, मिर्गी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, अजलाती अमराज, पार्किंसनिज्म, नखा और रीढ़ की हड्डी के आवारिज, हरकत व तवाजुन के खलल वगैरह में मुब्तला मरीजों को मुल्क के कोने कोने से अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। समाजी व इक्तसादी तौर पर कमजोर तबकों और बुजुर्ग शहरियों की सेहत की देखभाल करने और घर घर तिब्बी सहूलियात पहुंचाने की खातिर मुफ्त सेहत कैंप्स और बेदारी मुहिमों का इनाकाद इस अस्पताल के मामूलात का हिस्सा है। अराउंड 500 to 700 पेशेंट्स आर अटेंडिंग आर ओपीडीज डेली एंड बाय द सेम टाइम आईपीडीज आर आल्सो हैविंग मोर देन 70% ऑफ द बेड ऑक्यूपेंसी। वी आर कंटिन्यूअसली एम्फसाइजिंग to maintain the highest standard of our hospital services with the help of hospital personnel like our consultants, nursing, dispensary, pharmacy and laboratory staffs. And I'm happy to share that the patient compliance are very encouraging with our hospital services and facilities. ये अस्पताल न सिर्फ यूनानी इलाज की सहूलतों से मुजय्यन है, बल्कि यहाँ तशखीसी और तहकीकी मकासद के लिए पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और रेडियोलॉजी लेबोरेटरीज भी काम कर रही हैं। रेडियोलॉजी इज वन सच डिपार्टमेंट वेयर द डायग्नोसिस इज गिवन टू द पेशेंट्स। इन यूनानी सिस्टम इट हेल्प्स इन वैलिडेटिंग द डिजीजेस एंड आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डू द रिसर्च वर्क्स। In fact, we have a pathology lab also which has a well-equipped instrument along with a well-qualified staff with experience of more than 15 years where research activities are conducted for more than 20 students who come from all over the country. And this research, this department also helps them to undertake a research activities within the laboratory. The response of patients to the treatment is evaluated scientifically on biochemical lines by doing liver function tests, kidney function tests, lipid profile and all this. And after the treatment is given, the patient is evaluated for all these functions, and Unani system of medicine is evaluated on scientific lines through biochemical analysis. इस तिब ने एक हमागीर और मुअस्सर तिब्बी निजाम की सूरत इख्तियार करने से पहले सदियों का तवील तजुर्बाती व मुशाहिदाती सफर तय किया है। हमारी कोशिश है कि तिब्ब यूनानी को मौजूदा तमाम बनी नए इंसान तक पहुँचाया जाए और उनके सामने शिफायाबी का एक ऐसा तरीक़ेकार पेश किया जाए जो सालों से आजमूदा है, जिसमें जांचने और परखने का अमल तसलसल के साथ जारी है और जो कुदरती वसाइल के जरिए तवील मुद्दती शफा का सबब बनता है। ये इलाज की खालिस तरीन शक्लों में से एक और सदियों पुराने तरीक़े इलाज का नुमाइंदा तिब्बी फन है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन तजदीदी व तहकीकी आमाल के जरिए मुसलसल तकवीयत पहुंचा रहा है। इस इदारे की कोशिश है कि मुआशरे को बड़े पैमाने पर सीखने, शिफा देने और तरक्की करने के मौके फराहम करके अगली नस्लों को इस तिब्बी साइंस का कीमती इल्म और हुनर सिखा दे। इल्मी व फनी मीरास को तहकीक और वसी मुताले से मदद मिलती है और अब ये तिब्बी मीरास भी लोगों के सीखने, अपनाने और कामयाब करियर की तरफ बढ़ने के लिए दस्तियाब है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु ने साइंसी खतूत पर दलाइल पेश करने के लिए अनथक कोशिशें की हैं और यूनानी तिब की रिवायत को इल्मी व साइंसी सबूत फराहम करने का सिलसिला जारी रखा है। ये एक ऐसा विरसा है जो अब बयक वक्त रूह, दिमाग और जिस्में इंसानी के लिए शहादतों पर मबनी तिब्बी फन की सूरत इख्तियार कर चुका है।